हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल डूइंग वंडरफुल। इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर रोड ट्रिप, लाइक वन डे ट्रिप होगा ये वाला ब्लॉग में, क्योंकि यहाँ पे से ना हम लोग एम्बी को लेके जा रहे हैं म्यूजियम, क्योंकि ना लास्ट ईयर एम्बी को ना स्कूल की तरफ से फील्ड ट्रिप जाना था, जिसके लिए हमने $150 पे की थी। तो क्या हुआ था ना, एम्बी का काफ़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गया था, तो उसकी वजह से वो जा नहीं पाई थी। तो हम लोग को ना उसके टीचर ने वाउचर दिया कि आप 1 ईयर के अंदर कभी भी जाके ये म्यूजियम विजिट कर सकते हैं। तो हमें लगा स्प्रिंग ब्रेक चल रहा है तो चलो एम्बी को लेके चलते हैं, उसका ना एक एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा, बहुत सारी नॉलेज मिलती है म्यूजियम से बच्चों को, और एम्बी को ऐसे भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे सब चीज़ एक्सप्लोर करना, उसको रीड करना। तो हम लोग यहाँ आ गए थे और हम लोग मतलब कि मेरे घर से ये 1.5 घंटे का ही था डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं था, मतलब वन डे में आके चले जा सकते हैं। और ये ओल्ड सेलम, जहाँ पे आपको ना पूरा विंटेज हेरिटेज लुक मिलेगा देखने को इस वाले म्यूजियम में। तो सबसे पहले हम लोग ने यहाँ से स्टार्ट किया, एक बिल्डिंग था, अब मुझे नाम याद नहीं है, ऐसे नहीं, यहाँ पे ओल्ड सेलम में ना सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग ही विजिट था, सारे के सारे म्यूजियम ही बना के रखे हैं। अमेरिका जब बहुत ही मतलब पुराने समय में लोग यहाँ पे कैसे रहते थे, बहुत कुछ यहाँ पे विंटेज लुक है, विंटेज चीज़ें वो लोग कलेक्ट करके रखे हैं, पूरा म्यूजियम बना के रखे हैं। पुराने ज़माने में लोग कैसे बर्तन में ही खाना ही खाते थे, उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सब जो पुराने थे कैसे थे, ये वाला देखिए यहाँ पे गन्स जो है, कितने बड़े बड़े गन हैं, पॉट्स हो गए, पैन हो गए, बहुत सारी चीज़ें थी, देख के भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये टेबल स्पून उस समय कैसे यूज़ करते थे इन सबको, और टी स्पून जो है इन सबको ये लोग कलेक्ट करके एकदम म्यूजियम बना दिए हैं। और स्कूल के तरफ से बच्चों को ये सब चीज़ें की नॉलेज दी जाती है कि अमेरिका में पहले क्या क्या था, कैसे थे, वॉर थे, कितनी सारी ये थी, जैसे हमारे इंडिया में पढ़ाया जाता है इंडियन हिस्ट्री, वैसे ही यहाँ पे अमेरिका में अमेरिकन हिस्ट्री बच्चों को पढ़ाई जाती है। तो ये सब देखिए काफ़ी बढ़िया लग रहा है, जैसे ये पूरा ना ये था मतलब कि ओल्ड क्या बोलते हैं पुराने ज़माने में यहाँ पे लोग जो यूज़ करते थे। मुझे तो लगता है कि ये लोग जब 200 साल पहले ये लोग इतने एडवांस थे, तो आज तो अमेरिका ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा एडवांस है, काफ़ी ज़्यादा डेवलप है, वर्ल्ड में नंबर 1 इसलिए है। तो बट देखिए काफ़ी सारी चीज़ें ना यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत ही ऑथेंटिक पेंटिंग, ये सब सारी चीज़ें और इतने सारे चीज़ें कलेक्ट करके रखे थे ना, तो बहुत अच्छा लग रहा था। हम भी हर एक चीज़ को एक्सप्लोर कर रही थी, क्योंकि वो वाउचर जो था उसको हम लोगों ने ये करवा लिया था टिकट में कन्वर्ट, बट वो सिर्फ एम्बी के लिए था, तो मैंने अपना टिकट लिया यहाँ पे, $30 का एक टिकट था। तो बट लेकिन यहाँ पे म्यूजियम जो था ना बहुत अच्छा लगा, हम लोग थोड़ा लेट आए थे, जल्दी आते तो पूरी बिल्डिंग्स कवर करते, बट हमने शायद 7-8 ही बिल्डिंग कवर किया, बहुत कुछ नहीं कर पाई। ये देखिए ये वाला इनका जो है ड्रेसिंग बोलते हैं क्या, ड्रेसर पता नहीं क्या कुछ भी होगा, 200 ईयर्स ओल्ड है। यहाँ पे जो ये लोग बनाते हैं पॉटरी, ये सब कितना ज़्यादा पुराना चीज़ें हैं। ये बेंच देखिए कितना पुराना है, इसको भी इस तरह से लगा के रखे, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ऐसे यहाँ पे देखिए ये वाला जो है पूरा ये क्या चीज़ है पता नहीं लिखा होगा यहाँ पे, हाँ टी एंड कॉफ़ी सर्विस है, कितना सुंदर लग रहा है, एकदम सिल्वर वेयर जैसा है। हमारे इंडिया में तो इससे भी ज़्यादा अच्छा है जो राजा महाराजा के घर में होता था, कितने ज़्यादा अच्छा लगते थे, बट यहाँ के हिसाब से ये सब चीज़ें हैं तो ऐसा है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके, एम्बी ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर किया, काफ़ी ज़्यादा चीज़ सीखी, क्योंकि यहाँ पे तो बच्चे मोस्टली घर में ही रहते हैं और बहुत सारी चीज़ें वो स्कूल में सीखते हैं, म्यूजियम जैसी चीज़ों में आते हैं तो वहाँ सीखते हैं। Thank you.
ये देखिए, ये यहाँ पे ये मूविंग वाली पॉटरी है। ये सब पॉटरी कितने पुराने हैं, कितने पुराने हैं, और सबको ये सब ना कलेक्ट करके रखे हैं, कितनी अच्छी तरह से इनको प्रिजर्व करके रखे हैं। कुछ कुछ तो टूटा उटा भी है, बट उसको भी अच्छी तरह से यहाँ पे म्यूजियम में लगा के रखे हैं। मुझे तो कुछ कुछ पॉटरी इतने अच्छे लग रहे थे, मुझे लगा मैं तो घर लेके चल जाऊं, तो बहुत सुंदर लग रहा था। यहाँ पे देखिए कुछ डेकोरेशन है। उसके बाद उस वाले म्यूजियम से निकली, फिर हम लोग ये आ गए, किसी का घर था, आई डोंट नो, मुझे याद नाम वाम सब याद नहीं है, बट मैंने जो रिकॉर्ड किया है तो बस वो सब है। यहाँ पे देखिए यहाँ का डाइनिंग टेबल कैसा था, उनके बर्तन कैसे थे, कैसा यूज करते हैं। मुझे इतने पुराने समय में भी लोग यहाँ पे फोर्क नाइफ यूज करते थे, और कितना एडवांस इनका ये था, इनका जो वर्किंग स्टेशन है पूरा ऐसा था। और ये पुराना घर है तो इनके ये रूम जो है ना, आज भी ये सब ना म्यूजियम की तरह इनको बना के सेट करके रखे हैं। और ये जिनका घर है उनके बच्चे का बेड है, जो कि बोल रहे थे इसको टच नहीं करने, बहुत ही फ्रेजाइल है, टूट सकता है। और इनका जो कर्टन से पूरा बेड को कवर कर दिया जाता था, क्योंकि उस समय बहुत ठंड हुआ करती थी, आज की तरह हीटर नहीं होते थे उसके लिए। और इसी घर के लोग यहाँ पे खाना बनाते थे। और देखिए इनका ओवन और कुकिंग और किचन इस तरह से है। Wow. So we cook in the oven and in the hearth as well. So that is the oven? Mm-hmm. Yes. Oh, how do you like... How do you start it? Yeah. So you take 50 logs, like the big log pieces, mm-hmm. and you put them in there, and you kind of push them around to make sure they're kind of all around the sides. Mm-hmm. And then you start your fire, and then you push that fire in, and you let it catch all of the other logs. Mm-hmm. Then you let it burn everything, all the way to ash. Then you push the ash out, close the door, and it's like 1,000 degrees. Oh. And then you have all your stuff ready, you put your stuff in, let it bake, and you pull it back out and you're done. Wow, so different than the today's oven, mm-hmm. right? Really like it. It's kind of super different depending on what country you're cooking in. So like in Jamaica, they pretty much do the same thing because still people are cooking outside still. Oh, wow. Yeah. Food are very different taste instead of the today's oven. The fire a little bit. It's yeah. a little fire tasting, like yeah. a smoke taste to it's, it. But it's actually really good. Yeah. It tastes really nice. And it does change depending on what wood you use. So certain woods have certain flavors. That's why when you go to the store you see apple wood smoked, maple wood smoked. That's because it tastes a little right. bit different. But it just depends on what wood you use. Honestly, it all tastes relatively the same to me. but yes, it's pretty good though. Actually are baking, I think, tomorrow. Tomorrow? I believe so. What are you going to bake? I think they're making cookies. Wow. yeah. Yesterday we made brisket stew, and we made mashed sweet potatoes with molasses and sugar, so brown sugar essentially. So usually you all cook here or eat here? Mm-hmm. We eat here too. Oh, wow. In the old-fashioned way. Yeah, it's nice. Thank you. My pleasure. Y'all are welcome to go out. They weren't able to take care of themselves very well. And a woman named Penny, who was the first domestic enslaved woman in Salem. Dr. Vierling straight up lied to the church to make that happen. It's not good. You know what? You have the best facial expressions. so he straight up lied to the church. And he told them, because he had been pushing for domestic enslavement and pushing and pushing and pushing, and said, oh, well, I've acquired Penny as a pawn, which in the time period means that they used a human being as a bargaining chip to pay off a debt. Yeah, it's not okay. That's not right. It never was. But that's what Dr. Vierling said, and it made the church kind of go, I guess we can't do anything about that. Right, I guess that's what it is. Well, by the time they figured out he lied, it was too late. So there was more domestic enslavement already happening in Salem at that point, and it had changed the entire standard. There are the four original bedrooms. You can also see the stairs up to the first and second attics, where Penny and the younger children would have slept in the first attic. But we ask that you do not go up there, because if the stairs are very unstable, and if anyone is injured, you have to treat me without anesthesia to be historically accurate. First, if you have any questions about what you see, so we can kind of tailor this interpretation to what you want to hear. You have a question?
No? You'll see anything that looks weird? Like, what's this? Yeah, okay. So, this is a distiller. This is used to make hydrosols. If it was bigger, we could make essential oils with it. But you can think of a hydrosol like a clear infused kind of tea. What you do, just this little oil lamp. Yeah. You light it. Mm-hmm. And whenever you light it, the flame heats the bottom and boils the water. We've also been collecting this big old jar of lamp black, which is the soot that collects on the bottom of this. And we're going to use it to make ink. Oh. Yeah. So all this stuff the doctor was using, all those stuff he was using, like... So, good question. Yeah. These were not his specifically, but they are from the area, just the general area around here, and from the time period. Unfortunately, Dr. Vierling was not great at finances, so he had to sell off a lot of his things late in his life to pay off a lot of debt. We don't have many things that were originally his. Okay. That's a cinnamon tincture. So with the caveat, you can smell, but a tincture is when you infuse herbs into alcohol. Oh. So don't sniff too deeply because it will burn your nose. Okay, can I do it? Like... Yes, you just don't breathe too deep. Yeah. It's a little strong. I've had some people on field trips will come up and go, and then, और ये वाला घर ना किसी डॉक्टर का है, मतलब कितने ज्यादा वेल्दी थे, इतना मतलब इतना पुराना घर और इतना वेल स्ट्रक्चर उस समय था। आज तो बस इसको ये लोग सेव करके रखे हैं कि ये खराब नहीं हुआ एज ए म्यूजियम बच्चों को दिखाने के लिए। तो ये जो डॉक्टर का घर है, इनके जो बच्चे थे वो ऊपर वाले एटिक में रहते थे, इनका ऑफिस नीचे था। इस तरह से यहाँ पे ये ना ये वाले डॉक्टर इस वाले विलेज में लोगों के चेकअप ये सब किया करते थे। तो ये था उनका घर। तो ये यहाँ पे दिखाया है, ये वो रात को नाइट वॉच टाइम कैसे किया जाता था, वो तो हमारे इंडिया में काफी है, आज भी है। शंख जिसको बोलते हैं, शंख से जो कितनी अच्छी ध्वनि निकलती है वही है। तो वो दिखा रहा था, तो हम भी को चेक करना था। उसके बाद में हम लोग आगे, ये वाला बेकरी का था, यहाँ पे लोग बेकरी कैसे ये करते थे, बेकरी का बिजनेस था, किस तरह से ओल्ड फैशन वे में बेकरी में केक ये सब और जो भी बिस्किट्स और ब्रेड, यहाँ का तो मोस्टली ब्रेड ये सब ही होता है, वो सब बनाया करते थे। उसके बाद अनदर घर में पहुंचे हम लोग। So we've got two pumpkins looking like they're squashed under the table, and then we've cut them into rings and we hang them to dry. So ye wale building mein jinka bhi ghar hai, inke piche mein is tarah se itna bada backyard hai jahan pe ye log cooking karte the, inka ek cooking area hai, usi ke sath yahan pe ye food storage tha jahan pe ye cheeze store karte the, jaise corn ho gaye, squash ho gaye aur extra jo bhi kaam yahan pe wo log karte the, wo sab sari cheeze yahan pe save kar के रखते थे। इसी के साथ हम लोग पहुंचे ये दूसरे वाले बिल्डिंग में। ये घर है किसी बहुत ही रहीस वाले लोग जो गांव में होते हैं, इनका एक बड़ा सा रूम है जहाँ पे यहाँ पे वो लोग प्रीच ये सब करते हैं, चर्च जैसा समझ सकते हैं। पूरे घर के लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे और यहाँ पे चर्च और प्रे करते थे साथ में। और उसी के साथ ही ये इनका लगा हुआ था यहाँ पे बगल में, ये इनका पूरा इस तरह से ये चर्च जैसा ही दिख रहा है, बट ये पूरा घर है इनका नीचे का फ्लोर। और उसके साथ ही नेक्स्ट रूम है, ये मीटिंग रूम है जहाँ पे फैमिली मीटिंग होती थी। और आगे चलने के बाद ये देखिए कितने सारे कमरे हैं, हर एक कमरे में कुछ ना कुछ है। और इनकी फैमिली बड़ी थी तो सारे लोग यहाँ पे रहते थे। और उसी के साथ ये वाले रूम में देखिए बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें तो वो लगा हुआ था तो हम लोग अंदर नहीं जा पाए। और इस वाले रूम में आए तो हमें दिखा कि इस रूम में वाटर सिस्टम जो था किस तरह से पहले काम करता था। तो टू वे वाटर सिस्टम इनका होता था, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर सेकंड सिस्टम कैसा था। उसी के साथ यहाँ कॉर्नर में ना यहाँ पे वाटर का एक लाइन बना हुआ था, शायद मैंने वो क्लिप मेरा मिस हो गया, पता नहीं नीचे में था। तो इस तरह का इनका वाटर यहाँ पे कनेक्टर था, और यहाँ पे इस तरह से ये लोग अपना पूरा बिल्डिंग में पानी की सप्लाई
अप्लाई होती थी। तो इस तरह से ये सब है जो बच्चों को सिखाने के लिए स्कूल के तरफ लेके आते हैं कि हमारी लाइफस्टाइल ओल्डन वे में कैसी थी। उसी के साथ इस घर के लोग यहाँ पे ये भी करते थे, इसको क्या बोलते हैं, वो सिलाई वलाई है शायद, और कपड़े बुनने वाला है, बहुत सारे मशीन्स रखे हुए हैं और इस तरह से यहाँ पे यूज किया करते थे वो लोग। और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, पूरा एकदम ना म्यूजियम जैसा बना के रखे हुए हैं। आप गूगल पे सर्च करोगे ना ओल्ड सेलम और यहाँ के बहुत सारी हिस्ट्री आपको पता चलेगी। तो हम लोग जब आए थे ऑलरेडी स्कूल के 3-4 स्कूल के बस थे जहाँ पे पूरा बच्चा भरा हुआ था, और लगता है कि इस जगह पे सिर्फ स्कूल से ही बच्चे लोग आते हैं। Do we still sell the pottery? Or? We do. We sell a little bit up in the bakery. We're just kind of low on stock right now. Okay. But everything we make here, we try to make it good enough to sell. Okay. Today I made these leaf plates from this plaster mold. So you take your clay and you press it into the mold and then pop it off, cut around all the edges and smooth them down so that they look all nice and neat. Okay. This is how you make all non-round objects in the pottery. So all the creatures, the critters, the tiles are all going to be made with molds. Everything round, your mugs, your plates, your bowls, will be done on the kick wheel back there. Oh. And it is very much a kick wheel. You sit there and you use your right leg to kick and kick and kick to keep it spinning. Thank you. इनके पॉटरी शॉप से मैंने निकला और यहाँ पे इनका अनदर मीटिंग रूम है, अलग से एक अलग सा किचन है, बहुत कुछ था। उसके साथ ही इनके घर में एक सिख रूम है। इनका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर था, अगर कोई घर में सिख है तो उसको एकदम सेपरेट से अलग रूम में रखा जाता है। इस तरह से दो बेड बना हुआ है, काफ़ी डिस्टेंस है दोनों बेड के बीच में। और उसी के साथ ही हम लोग फिर इस घर ने, ये दूसरा बिल्डिंग है जिसमें कि यहाँ पे कोई बिजनेस करता था जो कि उसका वो पॉकेट वॉच इससे बनाता था। उसी के साथ हम लोग फिर अनदर बिल्डिंग में पहुँचे। इस घर के लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर थे, तो इनके घर में हर एक रूम में फायरप्लेस लगा हुआ है। और मैंने उस लेडी से पूछा भी कि ना यहाँ पे सभी रूम में फायरप्लेस क्यों है। The stairs are currently under repair. Unfortunately, we can't show those to you today. But this room here is about like 90% artifact from the time period. So the family actually kept this in the family until the 1950s. And then they donated it with a lot of the original furniture. So a lot of the stuff in here was from John and Christina's time. So beautiful. It's good, right? Yeah. We'll try. So why is the fireplace in everywhere, in that one, in that room, in the room? Well, it's just simply for heating the house. They were a little bit of a wealthier family, so they can afford to do those structural things that add maybe something that most people might have had, like one on one floor and one on the other. Oh, okay. So you'll see that in every room they have one way to heat or another. Okay, so this is the old way to use the heater for the house, right? So, yes. There's just a fireplace in every room because that's the best way to heat the home. Yeah. Mm-hmm. Thank you all for coming. तो ये वाला बिल्डिंग था लास्ट हमारा, और ये वहाँ पे कुछ बॉयज हॉस्टल थे, गर्ल्स हॉस्टल थे। हमारे पास टाइम नहीं था, 4 बज गए थे तो सारे क्लोज हो गए और एकदम एग्जैक्ट 4 बजे बंद हो गए। इसलिए मैंने उसके साथ ही इसलिए पूछा कि फायर प्लेस क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बिल्डिंग देखा, सभी जगह फायर प्लेस नहीं थे। तो मुझे पता चला कि जो लोग वेल्दियर थे वो लोग अपना फायर प्लेस लगाते थे। तो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से टाउन कुछ इस तरह से दिख रहा है। आज भी इसी तरह से विंटेज हेरिटेज लुक है टाउन का। अच्छा लगा काफी, हम भी काफी कुछ यहाँ पे सीखी, काफी कुछ नई चीजें देखी जो कि यहाँ पे यूजुअली नहीं देखने को मिलता है। तो म्यूजियम से ही ये सारे कॉन्सेप्ट मिलते हैं। बस यहाँ पे हम लोग ये सब देखने के बाद अब वापस से चलते हैं घर, क्योंकि और कुछ नहीं करना था। तो चलते चलते रास्ते में एक बार वॉशरूम जाना था, तो हम लोग मैकडोनल्ड में रुके थे।
अम्बी को कुछ ड्रिंक चाहिए था तो वो ड्रिंक और फ्राइज लिए। हस्बैंड फ्राइज खा रहे हैं, मैं नहीं खा रही हूँ। मैं अपने लिए ना मीठा वाला ड्रिंक भी नहीं ली, तो मैं लेमोनेड वो वाला टी होता है अनस्वीटेंड टी वो ली थी। और अम्बी कार में सो गई है। घर आते के साथ ही मैं चाय वाय बना के नाश्ता वास्ता सबको दे के खाना वाना दे के बस मैं पढ़ने के लिए बैठ गई थी। और अभी रात के सारे 11 बजने वाले हैं, 11:10 हो रहा है। और मुझे ना ये वाला लैब में ना लगभग 2.5 घंटे लग गए थे। थोड़ा बहुत मैं बना के गई थी, पिछले डे में ही बना के रखी थी बट कंप्लीट नहीं कर पाई थी। तो जो मेरा बचा हुआ था वो मैंने, ये वाला लैब काफ़ी घंटा लगा, इसमें काफ़ी टाइम लगा, तो इसको मैंने सबमिट किया। आज ही मुझे 3 असाइनमेंट सबमिट करने हैं 12 बजे के पहले। ये देखिए यहाँ पे 3 असाइनमेंट है। तो जो 100 मार्क्स का था वो मैंने पहले सबमिट कर लिया। अभी 20 मार्क्स का जो है वो मैं अभी नेक्स्ट इसको सबमिट करूंगी, और क्विज जो है उसको मैं बाद में करूंगी, क्योंकि 12 बजे के पहले करना है, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो ये वाला थोड़ा इजी था, करने में उतना टाइम नहीं लगा, जल्दी से हो गया, क्योंकि बस इसमें ना थोड़ी बहुत ही कोडिंग थी तो सिंपली वे में हो गया। थोड़ा सा मैंने पहले से डिस्क्राइब करके और वो करके रखी थी कि क्या क्या उसमें करना है, तो ईजिली ये सब सारा काम बस हो गया था। पूरा दिन वो बाहर थी और 11:40 तक मेरा दोनों असाइनमेंट डन हो गया है, और 11:51 हो गए हैं। तो अभी चलते हैं किचन में, क्योंकि वहाँ से आने के बाद चाय वाय खाना में जस्ट सिंपल राइस दाल और आलू की सब्जी में बनाई थी, बस वही खाए थे हम लोग, तो वो सब मैं रिकॉर्ड नहीं की। और अभी मेरा किचन जो है थोड़ा सा गंदा है, तो अभी किचन क्लीनिंग पे लगेंगे। देखिए घी का भी जो मेरा ये है खुला ही हुआ है, काफ़ी सारे सामान अपने जगह से इधर उधर हैं, सबको उनको उनकी जगह पे रखा। कितने बर्तन गंदे हैं सबको मैं अभी रख दूंगी सिंक में वॉश करने के लिए। और कुकम्बर भी बाहर ही रखा हुआ, इसको भी फ्रिज में रख देते हैं। और अभी क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। और देखिए यहाँ पे मैंने पोटैटो एयर फ्राइज की थी, वो भी एयर फ्राइज मेरा इस तरह से था। दिन भर सारा काम हो रहा था तो मैंने सारा बर्तन रखती गई थी, तो उतना मेहनत नहीं लगेगा, बहुत ही कम बर्तन है, जल्दी जल्दी से साफ हो जाएगा। रात के 12 बजने वाले हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है असाइनमेंट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो ये काम मुझे लगता है मैं बाद में भी कर लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मतलब लेट से सबमिट करने के बाद असाइनमेंट में 10% डिडक्शन होता है, तो उसके लिए मुझे उसको अवॉइड करने के लिए मैंने पहले सोचा पहले असाइनमेंट करती हूँ, पहले प्रोजेक्ट करती हूँ, उसके बाद ही ये सारी क्लीनिंग करूँगी। और बस थोड़े दिन ही टाइम में मेरा किचन क्लीन हो गया, और बस यहाँ पे कुकटॉप को क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि ये सब मैं कुछ नहीं की थी, जैसा कि मैं बताई खाना बनाई खाई और बस पढ़ने के लिए बैठ गई। तो बस मेरा कुकटॉप भी क्लीन हो गया है, और साथ ही साथ सिंक को भी क्लीन कर देते हैं, और क्योंकि बहुत ही ऑयल ये सबसे गंदा होता रहता है पूरा दिन, रात का काम ही होता है नाइट रूटीन में ये सब सारा चीज़ क्लीनिंग करना। तो बस ये सब सारे चीज़ें डन हो जाएगी जल्दी से। और सारा क्लीनिंग डन हो गया, उसके बाद मैं एक कैंडल यहाँ पे लाइट अप कर दूंगी। और अभी ना मैं सारे चेयर्स को ऊपर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ना अभी यहाँ पे रूम्बा ऑन करना है आई रॉबर्ट, वो थोड़ा सा क्लीनिंग करता रहेगा। उसी के साथ ही डाइनिंग टेबल के जितने भी चेयर सब है ना, इन सब को भी ऊपर कर देती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है ना, वो रूम्बा को ना वैक्यूम करने में ट्रबल नहीं होता है, अदरवाइज वो जाके कहीं ना कहीं फंस जाता, फिर वो क्लीनिंग नहीं करता। लाइट्स ऑफ कर दी हूँ, और मैं पूरे जो किचन में रक्स डाल के रखती हूँ छोटे वाले, वो सबको ऊपर कर दिया। और अभी चलिए मैं अपना हेल्पर को ऑन कर देती हूँ, ये मेरा एटलीस्ट कुछ तो काम कर ही देता है। अगर छोटा एरिया हो ना तो रूम्बा काफ़ी, और वो खाली हो तो रूम्बा काफ़ी अच्छे से क्लीन करता है। अगर इसके बीच बीच में काफ़ी सारी चीज़ें हो ना, तो ये थोड़ा थोड़ा ना गंदा कहीं कहीं छोड़ देता है, बट ओवरऑल ये ना ठीक ही काम करता है। अगर रूम जितना गंदा होता है कारपेट ये सब पे काफ़ी अच्छी तरह से क्लीन कर देता है ये, तो इसी तरह मैं कोशिश करती हूँ जितनी भी चीज़ें फ्लोर पे है वो सब इसके रास्ते में नहीं आए, तो बस मैं इसको ना ऊपर कर देती हूँ। उसी के साथ मैं यहाँ पे जो मेरा स्टडी चेयर है ना, ये इसमें जाके घूम गया था, फंस गया था, तो उसको भी मैं हटा दी।
और बस यहाँ नीचे का सारा काम हो गया, क्लीनिंग हो गया और मैं अभी चलती हूँ ऊपर सोने के लिए क्योंकि अब और नहीं पढ़ूंगी। और मैं लाइट ऑफ कर दी, कैंडल भी यहाँ पे ऑन है, देखिए ये रूम्बा अपना अंधेरा में भी चमक रहा है। उसी के साथ मैं ऊपर आ गई, आम भी सो रही है उसको देखने आ गई थी। और इस ब्लॉग को एंड करते हैं फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ, टिल देन बाय, टेक केयर और अपना खूब सारा ख्याल रखना।